ये लो फिर हम आ गए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं द टेक्निकल सर्च इंजिन। दोस्तों आज का वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका आधार कार्ड में कितने सारे नंबर लिंक है। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड में आप सिम लेने के लिए ही आप इस्तेमाल करते हो। जब भी आप सिम लेने के लिए किसी रिटेलर के पास जाते हो, आधार कार्ड के जरिए आप एक सिम खरीद लेते हो और उसको इस्तेमाल करते हो। आप जानते हो कि मेरा आधार कार्ड में मेरा नंबर यूज हो रहा है, लेकिन क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आपका आधार कार्ड के साथ कोई दूसरा नंबर लिंक नहीं है? जी हाँ दोस्तों, आप बता नहीं सकते। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप खुद जान सकते हो अपना आधार कार्ड के साथ कितने सारे सिम लिंक है। तो ऐसा होता है दोस्तों, एक आधार कार्ड के साथ आपने 9 सिम ले सकते हो। मान लीजिए आपका फैमिली मेंबर इस्तेमाल कर रहे हो या तो आप 4 सिम इस्तेमाल कर रहे हो, तो टोटल आपको कुल मिलाकर 9 सिम लेने के लिए लिमिटेशन दिया जाता है। लेकिन जब भी आप आधार कार्ड में इस्तेमाल करते हो तो एक या दो ही सिम लेते हो, बाकी का जो बैलेंस है वो बच जाता है, जहां पे ये फ्रॉड इसको गलत इस्तेमाल करते हैं। आपका आधार कार्ड के साथ दूसरा नंबर एक्टिवेट करके किसी तीसरे को बेच देते हैं। वो क्या करता है, उसको जेन्युइन यूज नहीं करके कोई क्राइम में इस्तेमाल कर सकता है, कोई केस में इस्तेमाल कर सकता है, कोई गलत धंधे में इस्तेमाल कर सकता है आपका नंबर, कुछ भी हो सकता है। तो तभी जब कोई केस हो जाएगा, पुलिस आके आप किसको कैच करेगा, आपको करेगा, क्योंकि आपका आधार नंबर के साथ वो नंबर लिंक है। तो इसीलिए आप खुद कैसे सेफ रहोगे, गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट डेवलप किया है। कोई कौन सा वेबसाइट है मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो फिर कैसे मिलेगा आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको गूगल में जाना है, ये चाहे आप अपना मोबाइल में भी चेक कर सकते हो या कंप्यूटर में भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे जाके पहले लिखना है टैबकॉफ, ये वाला वेबसाइट का लिंक मैं अपना वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डायरेक्ट एक क्लिक में ही आप खुद चेक कर सकते हो, चाहे मोबाइल में चाहे पीसी में, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे पहले आप देख सकते हो दोस्तों, एक लिंक आ गया जहाँ पे एक tabcoff.digitelecom.government.in, ये एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, गवर्नमेंट का वेबसाइट है, तो इसमें कोई डरने का बात नहीं है। तो पहला वाला लिंक को आपको क्लिक करना है और चले जाएंगे एक दूसरा वाला पोर्टल में। यहाँ पे आपका मेन काम होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो टैबकॉफ टेलीकॉम एनालिस्टिक फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। दोस्तों यहाँ पे फ्रॉड लोगों को कैच करने के लिए और कंज्यूमर का प्राइवेसी को ध्यान में रखने के लिए ये सॉफ्टवेयर जो है, जो वेबसाइट है, डेवलप किया गया है DoT की तरफ से। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा होगा जहां पे पूछ रहा है कि मोबाइल नंबर देने के लिए, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। कोई भी मोबाइल नंबर आप इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि मैं अपना नंबर यहाँ पे दे देता हूं, तो मेरा नंबर यहाँ पे मैं दे दिया हूं। और यहाँ पे नीचे दिया गया है कि रिक्वेस्ट OTP, आपको OTP में चलना है। जैसे ही रिक्वेस्ट OTP करोगे कि आपका मोबाइल में एक SMS आ जाएगा OTP, उसको प्रॉम्प्ट करना है। यहाँ पे मैं अपना OTP यहाँ पे प्रॉम्प्ट कर रहा हूं, OTP देने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो नंबर के साथ एक दूसरा नंबर भी लिंक है। अगर आपको ये मालूम चल रहा है कि ये खुद का नंबर है, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले 2 लेटर बाद में 4 लेटर आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो आप एनालाइज कर सकते हो, मैच कर सकते हो अपना मोबाइल नंबर के साथ, और आपको पता चल जाएगा कि ये खुद का नंबर है या कोई दूसरे इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपका खुद का नंबर है 2-4 जो भी है, तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, यहाँ पे कोई एक्शन लेना जरूरी नहीं है। अगर आपको मालूम चल रहा है कि भाई ये कोई बंदा, दूसरा बंदा इसको इस्तेमाल कर रहा है, ये नंबर तो मैंने ली नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपका ओनली देखने के लिए नहीं, यहाँ पे एक्शन के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों क्या करना है आपको, मैं यहाँ पे सिंपली बता देता हूँ। मान लीजिए ये वाला नंबर मेरा है और ये वाला कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहा है, तो यहाँ पे आपको एक देख सकते हैं चेक बॉक्स दिया गया है, इसको क्लिक करना है। और यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है, ये रीजन है, रीजन मतलब आपको ये बताना है कि भाई ये नंबर को आपको चाहिए तो रिक्वायर्ड, अगर नहीं चाहिए तो नॉट रिक्वायर्ड, और ये आपका नंबर नहीं है तो यहाँ पे ही क्लिक करना है। ये नंबर को जैसे ही आप ऐसे क्लिक करोगे और यहाँ पे चेक करोगे, उसके बाद रिपोर्ट में चले जाना है। रिपोर्ट में जाने के बाद ये एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है ये नंबर को बंद करने के लिए।
तो ये नंबर का रिक्वेस्ट जो आप अभी ले रहे हो या तो रिपोर्ट में कर रहे हो वो रिक्वेस्ट चले जाएगा टीओटी के पास, और ये जाने के बाद वो उसको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद इस नंबर को बंद कर देंगे। अगर वो नंबर किसी जेनुइन बंदे इस्तेमाल कर रहा है तो वो क्या करेगा, अपना खुद का डॉक्यूमेंट लेके टेलीकॉम जो ऑफिस है वहां पे मिल सकता है, वो नंबर को लेने के लिए अपील कर सकता है। क्योंकि ऐसा भी होता है 5 साल 10 साल पहले एक नंबर ऐसे ही ले लिया है और उसको वो प्राइमरी नंबर बना दिया है, तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए वो क्या कर सकता है, अपना नाम में वो खुद उसी नंबर को ले सकता है। तो ये जो था अपना प्राइवेसी अपने पास इस तरह का करने के लिए बहुत एक अच्छा वेबसाइट है, आप खुद जानिए और दूसरे के साथ शेयर करिए ताकि सभी ये फ्रॉड से बच सके। क्योंकि आजकल आप जानते होंगे कि मोबाइल नंबर में पूरा बैंक जीरो हो जाता है, आपका प्राइवेसी डिटेल लीक हो जाता है, आपका व्हाट्सएप डिटेल्स लीक हो जाता है, आपका दिन में जितने सारे एक्टिविटी आप करते हो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी है जो कि आपका मोबाइल नंबर के साथ लिंक है या तो आधार नंबर के साथ लिंक है, बैंकिंग से लेकर चैटिंग तक। तो ये सारे जो है आपका खुद का प्राइवेसी, एक मिस्टेक के लिए आपका सारे प्राइवेसी लीक हो जाएगा। तो इसीलिए खुद अवेयर रहिए और दूसरे के साथ ये वीडियो शेयर करिए। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, आपका इस तरह का कोई एग्जांपल मिला कि नहीं, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा ताकि हम भी जान सकें कि इस तरह का पहले हुआ था या तो हो रहा है। तो आज के लिए तो इतना था दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ, नया ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए मैं रहता हूँ दोस्तों, धन्यवाद, गुड बाय।